जमान पार्क के बाहर भी इस वक्त सूरत हाल हम देख सकते हैं, कारकुनान वहां पर जमा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इमरान खान का सदर से कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खत सदर मम्लिकत को मौसूल हो गया है। जराए का ये बताना है, सदर मम्लिकत आरिफ अलवी इमरान खान के खत का जायजा लेंगे। पीटीआई की जानिब से सदर को मुख्तलिफ उमूर पर जायद खतूत लिखे जा चुके हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सदर से कमर बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खत सदर ममलिकत को मौसूल हो चुका है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी इमरान खान के खत का जायजा लेंगे। इस हवाले से बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये खत मौसूल हो गया सदर ममलिकत को? जी, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जो सदर ममलिकत को खत लिखा गया है वो ऐवान सदर को मौसूल हो गया है। सदर ममलिकत इमरान खान की जानिब से भेजे गए खत का अब जायजा लेंगे, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि इससे पहले भी इमरान खान की तरफ से चार खतूत मुख्तलिफ औकात पर ऐवान सदर को अरसाल किए गए हैं, सदर ममलिकत को लिखे गए हैं, जिस पर एक तो का जवाब उन्होंने आगे दिया है, डायरेक्शन दी है, लेकिन अभी तीन खतूत ऐसे हैं जिनका जवाब अभी सदर की तरफ से देना बाकी है। तो अब सदर हतमी फैसला करेंगे कि उन्होंने खत का किस तरीके से जवाब देना है या नहीं देना। तमाम ये हमारे जराए बताते हैं कि ऐवान सदर को ये खत जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से लिखा गया है वो ऐवान सदर को मौसूल हो चुका है। ठीक है, ऐवान सदर को ये खत मौसूल। अब्बास शबीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज।